السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی پانچویں حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يغتسل کا معنی ہوگا غسل نہ کرے نہ نہائے. احد معنی کوئی, احد کے معنی ایک کوئی, کم معنی تم سب, فی الماء پانی میں, الدائم ایسا پانی جو ٹھہرا ہوا ہے, الدائم ایسا پانی جو رکا ہوا ہو ٹھہرا ہوا ہو یعنی بہتا نہ ہو. رکا ہوا پانی کو عربی میں الماء الدائم کہا جاتا ہے. جیسے کنویں کا پانی ہے, حوض کا پانی ہے, گڈھے کا پانی ہے, جہاں پانی ایک جگہ جمع رہتا ہے بہتا نہیں ہے تو اس پانی کو الدائم کہا جاتا ہے. وہ ہوا کے معنی ہوگا اور وہ, وہ ہوا کے معنی اور وہ. جنبن, جنبن جنبن کا معنی ہوگا ناپاک. ایسا ناپاک جس پر غسل فرض ہو گیا ہو. اور اس کی دو شکل رہتی ہے, یا تو آدمی ہم بستری کیا ہو, اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی سویا اور احتلام ہو گیا. جنب کا مختصر اور بہتر معنی یہ ہوگا کہ شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو جائے تو ایسے آدمی کو جنبی کہا جاتا ہے. حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ جنوب, اس حال میں کہ وہ جنبی ہو یعنی ناپاک ہو. آدمی ناپاک کب ہوتا ہے؟ یا تو احتلام ہو جائے, منی کا اخراج ہو جائے,
या फिर आदमी हम बिस्तरी कर ले। हदीस का तर्जमा देखिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, لا يغتسل احدكم, لا يغتسل, ना नहाए ना गुस्ल करे, احدكم, कोई शख्स, तुम में से कोई शख्स ना नहाए गुस्ल ना करे, في الماء الدائم, ठहरे हुए पानी में, तुम में से कोई शख्स ना नहाए ना गुस्ल करे, फिल्मा इद्दाइम, ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में, जैसे हौज का पानी है, टंकी का पानी है, गढ़े का पानी है या कुएं का पानी है। मना किया जा रहा है कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में गुस्ल ना करे। वह हुआ जुनूब, इस हाल में कि आदमी नापाक हो, जुनबी हो, यानी आदमी पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है, जुनबी आदमी है, नापाक आदमी है, ऐसा शख्स ठहरे हुए पानी में गुस्ल नहीं कर सकता है, हराम है। मना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर आदमी ठहरे हुए पानी में गुस्ल करेगा तो पानी ख़राब हो जाएगा, पानी क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अगर पानी कम है तो बहुत जल्द नापाक हो जाएगा, क्योंकि नहाने से मैल कुचैल, धूल मिट्टी, गंदगी सब उसी पानी में यकजा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसके नतीजे में पानी का जो रंग है, जायका है, बू है, वो तब्दील हो जाएगा और पानी नापाक हो जाएगा। या अगर पानी का रंग बू जायका नहीं बदलता है, फिर भी ये पानी ख़राब होने और नापाक होने का सबब और ज़रिया बन सकता है, सबब और ज़रिया बन सकता है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स नहा ले और लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, वज़ू बनाते हैं या फिर पीते हैं, तो आदमी को देख लेगा अगर कोई शख्स कि आदमी इसमें नहाया है, तो लोग ऐसे पानी को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो मना किया जा रहा है कि कोई शख्स नापाक आदमी ठहरे हुए पानी में ना नहाए। ला यख्तसिल अहदुकुम फिल मा इद्दाइम वह जुनूब, कि ठहरे हुए पानी में जुनबी शख्स, नापाक आदमी ना नहाए। या तो पानी नापाक हो जाएगा जबकि पानी थोड़ा हो, या फिर पानी नापाक तो नहीं होगा लेकिन ख़राब होने के करीब होगा, नापाक होने का सबब और ज़रिया बन जाएगा। या फिर ये बात तो ज़रूर होगी कि जब आदमी नहाएगा तो लोग उस पानी को छोड़ देंगे, उस पानी को इस्तेमाल करने में कराहत महसूस करेंगे, घिन महसूस करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पानी के तहफ़ और पानी की हिफाज़त के लिए एक बेहतरीन नुस्खा अता फ़रमाया है, जामे तालीम दी है कि आदमी पानी की हिफाजत करे, पानी को ख़राब ना करे। कोई शख्स पानी में जा कर के ठहरे हुए पानी में ना नहाए। जाहिर है जब आदमी उस पानी में नहाएगा तो पानी नापाक और ख़राब हो सकता है, या फिर लोग उस पानी को इस्तेमाल करने में कराहत महसूस करेंगे, घिन महसूस करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ये जामे तालीम दे दी है। सवाल ये है कि क्या अगर आदमी नापाक नहीं है, जुनबी नहीं है, यहाँ तो मना किया जा रहा है कि जुनबी शख्स, नापाक शख्स ना नहाए, तो क्या वो शख्स जो पाक है, जैसे आदमी पाक है, जुमा का दिन है, नहाना है, या फिर ऐसे ही फ्रेश होने के लिए, ताज़ा दम होने के लिए वो आदमी नहाना चाहता है, तो क्या कोई शख्स ठहरे हुए पानी में नहा सकता है? तो असल ये कि वो आदमी भी ठहरे हुए पानी में नहीं नहाएगा, जो नापाक है
वो तो नहीं नहाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो शख्स पाक है वो भी नहीं नहाएगा। क्यों नहीं नहाएगा? क्योंकि एक आदमी नहाएगा तो उसको देख करके दूसरे लोग भी कदम बढ़ाएंगे, और हौज में, कुएं में, गढ़े में, टंकी में लोग छलांग मारेंगे तो नहाने की वजह से पानी ख़राब हो जाएगा। पानी नहाने की वजह से पानी का जो रंग है वो बदल जाएगा, पानी ख़राब हो जाएगा। या फिर जो पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को नहाना है, धुलना है, हाँ, वज़ू बनाना है या पीना है, तो जब देखेंगे कि लोग इसमें नहाते हैं तो लोग कराहत महसूस करेंगे, घिन महसूस करेंगे कि इस पानी को इस्तेमाल करें। तो बहरहाल जो पानी रुका हुआ है, जमा है, जैसे तालाब का पानी है, ठहरा हुआ पानी है, हौज का पानी है, तो ऐसे पानी में नहाने से परहेज करना चाहिए। अखरजहु मुस्लिम, ये हदीस सही मुस्लिम की है। कौन सी हदीस सही मुस्लिम की है? कि जुनबी आदमी, नापाक आदमी ठहरे हुए पानी में ना नहाए। वलिल बुखारी, बुखारी के अंदर जो रिवायत है उसके अंदर ये लफ्ज़ है कि ला यबूलन अहदुकुम फिल मा इद्दाइम, ला यबूलन अहदुकुम फिल मा इद्दाइम। ला यबूलन, इसका माना होगा कि खबरदार कोई पेशाब ना करे। ला यबूलन का माना होगा कि खबरदार कोई शख्स पेशाब ना करे। फिल मा इद्दाइम, ठहरे हुए पानी में। अल्लदी ला यजरी, अल्लदी माने जो, ला यजरी का माना हुआ जो बहता ना हो, जो जारी ना हो। जरा यजरी माने होता है बहना। सुम्मा यक्तसिल फी, सुम्मा माने फिर, और यक्तसिल माने गुस्ल करना। इक्तसला यक्तसिलु इक्तसाल, गुस्ल करना, नहाना। अब बुखारी की जो रवायत है उसके अंदर ये रवायत है कि ला यबूलन अहदुकुम फिल मा इद्दाइम, खबरदार तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे। ला यबूलन, कोई पेशाब ना करे। ला यबूलन, पेशाब ना करे, खबरदार पेशाब ना करे। अहदुकुम, कोई शख्स, फिल मा इद्दाइम, ठहरे हुए पानी में, यानी जो पानी रुका हुआ है उस पानी में पेशाब ना करे। क्यों पेशाब ना करें? क्योंकि ये पानी पेशाब करने की जगह नहीं है। अगर पानी रुका हुआ आदमी पेशाब कर दे तो पानी की क्या हालत होगी? या तो पानी कम होगा, रंग, जायका, बू में तब्दीली आ जाएगी, पानी नापाक हो जाएगा। या अगर पानी ज़्यादा है, रुका हुआ है, इतना तो होगा कि नापाक होने का सबब बन सकता है, पानी मुस्तखबस हो सकता है, पानी ख़राब हो सकता है। तीसरी वजह ये कि वो पानी छोड़ दिया जाएगा, इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, लोग घिन महसूस करेंगे, कराहत महसूस करेंगे। तो पेशाब करने की जगह ये पानी नहीं है। पेशाब करने के लिए बहुत सारी जगह है आदमी जहाँ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो शरीयत ने इस सख्ती से मना किया है कि कोई शख्स ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे। अल्लज़ी ला यजरी, वो पानी, वो ठहरा हुआ पानी जो बहता हुआ ना हो, जो जारी ना हो। यानी पेशाब करना जैसे मना है ठहरे हुए पानी में, ऐसी गंदगी और जो नापाकी है कि इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पाखाना हो, चाहे वो पेशाब हो, चाहे वो खून हो, नापाकी का जो खून हो, कोई भी चीज़, गंदगी चीज़ ठहरे हुए पानी के अंदर नहीं फेंकी जा सकती है, नहीं डाली जा सकती है। सुम यक्तसिल फी, फिर आदमी उसमें नहाए, यानी जिसमें आदमी पेशाब कर रहा है, फिर आदमी को धोने की ज़रूरत पड़ेगी, नहाने की ज़रूरत पड़ेगी, पीने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये बहुत अक्ल के ख़िलाफ़ बात है कि आदमी जिसमें पेशाब कर रहा है और वही पानी इस्तेमाल करे। सुम यक्तसिल फी, फिर वो आदमी उसी में गुस्ल करे, यानी अक्ल के ख़िलाफ़ है। ये बात अक्ल में नहीं आती है कि एक आदमी उसी में पेशाब कर रहा है और फिर उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो शरीयत ये कहती है कि ला यबूलन अहदुकुम फिल मा इद्दाइम अल्लज़ी ला यजरी, कि ठहरे हुए पानी में कोई शख्स पेशाब ना करे। वो पानी अल्लज़ी ला यजरी, जो बहता हुआ ना हो, यानी पानी कैसा हो, ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, तो रुके हुए पानी में पेशाब करना ये हराम और सख्ती से मना है। सुम यक्तसिल फी, फिर वो शख्स उसी में गुसल करेगा, यानी बात अक्ल के ख़िलाफ़ है। वली मुस्लिम मिन हो, और मुस्लिम के अंदर ये लफ्ज़ है
कि फिर उसी से गुस्ल करेगा। फीहे के माने उसमें, और मिनहो का मतलब हुआ उससे, यानी उसी पानी को निकाल करके बाहर लाए और गुस्ल करे। वली अबी दाऊद, और अबू दाऊद शरीफ की जो रवायत है उसके अंदर ये लफ्ज़ है कि वला यक्तसिल फीह मिनल जनाबा, कि ठहरे हुए पानी में कोई आदमी जनाबत का गुस्ल ना करे, यानी आदमी नापाक था, हम बिस्तरी किया था, बीवी से लुत्फानदोज़ हुआ था, और फिर जा कर के ठहरे हुए पानी में कूद जाए, छलांग लगा ले, नहाने लगे, ये चीज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो खुलासे कलाम ये निकला कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है, ठहरे हुए पानी में नापाकी का गुस्ल करना मना है। तीसरी बात मालूम हुई कि पानी की हिफाजत करना चाहिए, पानी की हिफाजत करना चाहिए। चौथी और आखिरी बात ये मालूम हुई कि इस्लाम ने पानी के मुतालिक पहले ही से एक जामे उसूल बताया है, रोज़े अव्वल से ही पानी के मुतालिक एक उसूल और ज़ाब्ता बताया है। वो ज़ाब्ता क्या है कि पानी को महफूज रखा जाए, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर वक्त हर लम्हा ज़िंदगी के हर हिस्से में पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी हिफाजत करना और उसको नुकसान पहुंचाने से, ख़राब करने से, पानी नापाक करने से बचाना हर हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िया अता फ़रमाए, अमल सालिह की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिह अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।